नाम ले रहे हैं ओपीएस भदौरिया, सिंधिया गुट के माने जाते हैं, बीजेपी में मंत्री हैं, सरकार में मंत्री हैं, बीजेपी के नेता हैं फिलहाल, और एक बड़ा बयान वो दे रहे हैं। मंत्री ओपीएस भदौरिया का बड़ा आरोप यहां आया है सामने, उन्होंने कमलनाथ को लेकर कुछ कहा है कि कमलनाथ के दफ्तर में सिंधिया को हराने का षड्यंत्र रचा गया था, कमलनाथ के नेतृत्व में ये पूरी साजिश रची गई, कमलनाथ के लिए सिंधिया चुनौती बन गए थे, तो बाहर के नेताओं को पैसा देकर बुलाया गया उनको हराने के लिए, डॉक्टर गोविंद सिंह के लिए मैं ही काफी हूं, ये कह रहे हैं भदौरिया नेता प्रतिपक्ष गोविंद। तो सिंधिया समर्थक हैं ओपीएस भदौरिया, वो 28 लोग जिनके साथ सिंधिया से टूटकर, कांग्रेस से टूटकर बीजेपी में शामिल हुए, कमलनाथ सरकार में मंत्री थे, अभी फिलहाल मंत्री हैं, लेकिन आज ये बड़ा बयान सामने आ रहा है। वो तत्कालीन कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री भवन में मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में हुआ था, क्योंकि वो ये चाहते थे, क्योंकि सिंधिया जी उनके लिए बड़ी चुनौती थे और वो नहीं चाहते थे कि सिंधिया जी जैसा लोकप्रिय व्यक्ति चुनाव जीते। मुख्यमंत्री भवन से अन्य प्रदेश के नेताओं को पैसा देकर के बुलाया गया और सिंधिया जी के खिलाफ षड्यंत्र किया गया। अगर गोविंद सिंह जी को हार जीत की चिंता है तो वो राहुल बाबा की चिंता करें, जो खुद भी चुनाव हारते हैं और उनके नेतृत्व में पूरी पार्टी एक क्षेत्रीय दल से भी छोटा दल बनकर रह गई है। कि सिंधिया जी को हराने का षड्यंत्र वो तत्कालीन कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री भवन में मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में हुआ था, क्योंकि वो ये चाहते थे, क्योंकि सिंधिया जी उनके लिए बड़ी चुनौती थे और वो नहीं चाहते थे कि सिंधिया जी जैसा लोकप्रिय व्यक्ति चुनाव जीते। मुख्यमंत्री भवन से अन्य प्रदेश के नेताओं को पैसा देकर के बुलाया गया और सिंधिया जी के खिलाफ षड्यंत्र किया गया। अगर गोविंद सिंह जी को हार जीत की चिंता है तो वो राहुल बाबा की चिंता करें, जो खुद भी चुनाव हारते हैं और उनके नेतृत्व में पूरी पार्टी एक क्षेत्रीय दल से भी छोटा दल बनकर रह गई है। कि सिंधिया जी को हराने का षड्यंत्र। चलिए और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, एक बहुत बड़ा बयान यहाँ सामने आया है लेकिन काफी लेट आया है, हालांकि इस बयान की फिलहाल क्या उपयोगिता है ये आपसे जरा समझना चाहूंगा। देखिए, बयान की उपयोगिता तो यही है कि सीधे तौर पर यह समझ आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय कांग्रेस को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। जी चलिए, लगता है थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया है। मनोज, हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे, अगर आवाज आ रही है एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए मनोज। मनोज, अपनी बात कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए विजय, जहां तक मुझे समझ आ रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो कांग्रेस को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, लेकिन पहले हमने ये देखा कि जिस तरह ओपीएस भदौरिया सिंधिया के साथ रहा करते थे, जब उन्होंने पार्टी छोड़ी तो जो 28 विधायक थे उसमें ओपीएस भदौरिया भी शामिल थे, लेकिन अब ये कहना, ये जाहिर कर रहा है कि कहीं ना कहीं गोविंद सिंह का विपक्ष का नेता बनना, जैसे क्योंकि उन्होंने गोविंद सिंह का नाम भी लिया, गोविंद सिंह राहुल सिंह के नज़दीकी है, दिग्विजय सिंह के नज़दीकी है, और आज हम लगातार कई तरह के घटनाक्रम देख रहे हैं, जैसे चौधरी राकेश की मुलाकात हुई अजय सिंह से, तो बड़ी तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम मध्य प्रदेश का बदला है। लेकिन कमलनाथ को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है ओपीएस भदौरिया ने। अब कमलनाथ की तरफ से क्या इस पर जवाब आता है देखना होगा, क्योंकि वो बाकायदा ये कह रहे हैं कि कहाँ बनाई गई थी योजना सिंधिया को हराने की, तो क्या सिंधिया की हार की वजह कमलनाथ थे? यही सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब कांग्रेस के भीतर ही होगा। जी वाकई, इसका जवाब कांग्रेस के भीतर ही होगा, लेकिन फिलहाल तो जवाब बीजेपी दे रही है, और जिस तरह से लगातार कांग्रेस पर एक के बाद एक प्रहार हो रहा है, ये प्रहार एक सोची समझी रणनीति भी होती है, इसको राजनीतिक रणनीति कहते हैं। मनोज, जिस तरह से आपने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती, चुनाव से पहले हर वो दाव अपनाना चाहती है जो कांग्रेस पर भारी पड़े। जरा दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, उनसे भी हम जरा बातचीत कर लें। मृणाल पंत जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, युवा प्रवक्ता है, प्रमुखता से अपनी बात रखते हैं। सनवर पटेल साहब बीजेपी प्रवक्ता हैं, लगातार वो भी मीडिया के अलग अलग मंचों से अपनी बात, अपनी पार्टी की बात रखते आए हैं। सनवर पटेल साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ,
क्या वाकई ये साजिश रची गई थी, और अगर साजिश रची गई थी तो फिलहाल ये वक्त है क्या ओपीएस भदौरिया का ये बयान देने का? और अगर ये छोटे छोटे बयान फिर से बाहर आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि एक रणनीति बन चुकी है कि कमलनाथ एक पद छोड़ चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष के पद पर हैं और पूरा प्रेशर अब बनाया जाए उन पर। देखिए विजय जी, जब हम समाज क्षेत्र में काम करते हैं तो कुछ हमारी नैतिकता होती है, और उस नैतिकता के नाते जिस दल के लिए हम काम करते हैं उस दल के लिए हम कितनी ईमानदारी से काम करते हैं या कितनी ईमानदारी से नहीं कर पाते हैं, लेकिन कम से कम बेईमानी ना करें, अपने ही दल में भीतरघात ना करें, ये तो कम से कम हम लोगों के सबके के लिए बहुत बड़ा एक धर्म होता है। लेकिन आज जिस प्रकार से ओपीएस भदौरिया जी जैसे वरिष्ठ नेता ने जिस प्रकार का आरोप लगाया है, तो निश्चित रूप से इस आरोप में कहीं ना कहीं दम है, और इस आरोप के बाद कांग्रेस को इस बात की चिंता करना पड़ेगी कि अगर वो इस प्रकार से अपने यहाँ ये सब करते हैं तो निश्चित रूप से जो गुटबाजी है, और कांग्रेस जो गुटबाजी के नाम पर जानी जाती है, जो खंडों में बटी हुए के नाम पर जानी जाती है, उसका एक प्रमुख कारण ये भी है कि वहां पर इस प्रकार से एक बड़ा नेता दूसरे बड़े नेता को हराने का प्रयास करता है या हराता है, तो ये चिंताजनक बात है। कांग्रेस के अंदर की बात है, ये उनके परिवार की बात है कि वो लोग क्या करते हैं, लेकिन इस प्रकार से अगर उनके यहाँ होता है जैसा सम्माननीय ओपीएस भदौरिया जी ने कहा है, तो निश्चित रूप से उनके परिवार में ये चिंता का विषय है। जी चलिए, मैं मृणाल पंत जी से पूछना चाहता हूँ। मृणाल जी, क्या चारों तरफ से बीजेपी कोशिश कर रही है कमलनाथ जी को घेरने की? कोशिश यही है क्योंकि अब उनके पास केवल एक पद है प्रदेश अध्यक्ष का, पार्टी उन्हीं को चेहरा मानकर फोकस मानकर आगे बढ़ रही है, ऐसे में टारगेट अब कमलनाथ है। विजय जी, भारतीय जनता पार्टी चाहे कुछ कर ले आने वाले चुनाव में, जिस तरह से पिछली बार कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने विजय का परचम फहराया था, उसी तरह से एक बार फिर हम जीत हासिल करेंगे। कमलनाथ जी की अनुशंसा पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जिस तरह से डॉक्टर गोविंद सिंह को, जो ग्वालियर चंबल संभाग से आते हैं, उन्हें नेता प्रतिपक्ष पद की जिम्मेदारी दी है, उसकी बौखलाहट अभी से ग्वालियर चंबल के नेताओं में दिखाई देने लगी है, और ओपी भगौरिया जी का बयान इसी पृष्ठभूमि में आया हुआ है। मुझे तो इस बात पे आश्चर्य है कि भारतीय जनता नहीं, वो कह रहे हैं ना, मैं मृणाल जी, मैं आप भी को समय दे रहा हूँ, वो कह रहे हैं साफ तौर पर भदौरिया जी कि मैं ही काफी हूँ गोविंद सिंह जी के लिए। समय बताएगा, लेकिन चिंता तो उनको ये करनी चाहिए कि उनके नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी अगली बार जीत कर जा पाएंगे कि नहीं, ये बड़ा प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के सामने है। ये भी सवाल होगा शायद ओपीएस भदौरिया जी के सामने कि भारतीय जनता पार्टी क्या उस व्यक्ति को जो कभी सिंधिया जी का प्रतिनिधि हुआ करता था और जिस प्रतिनिधि से ही भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सिंधिया जी को हार का चेहरा देखना पड़ा, क्या एक बार फिर उनका टिकट काटते हुए उसी प्रतिनिधि को भारतीय जनता पार्टी फिर लोकसभा के चुनाव में मौका देगी? तो इस तरह की आंतरिक उलझने तो भारतीय जनता पार्टी के सामने है। दूसरी बात, भदौरिया जी के बयान से एक बात तो बहुत साफ निकल कर सामने आती है कि ग्वालियर चंबल में शायद भारतीय जनता पार्टी ने ये स्वीकार कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कांग्रेस के नेताओं को हराने की कोई ताकत नहीं है, और एक तरह से दबे छुपे स्वर में वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस अगर हारती है तो केवल कांग्रेस के ही कारण हारती है। मैं रुक रहा हूं मृणाल जी, ऐसा एक बयान नहीं है,